कपालमोचन मेला 2021 का आगाज हो चुका है। ठीक दो दिन बाद जो है श्रद्धालु पहला स्नान करेंगे। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग शुरू कर दी गई है और पुलिस की जो नफरी है, पुलिस के जो टुकड़ियां हैं वो कपालमोचन में तैनात हो गई हैं। इस वक्त का दृश्य आप देख रहे हैं बिलासपुर शिव चौक का, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आज सुबह से ही जो है बैरिकेडिंग शुरू कर दी गई थी और मेले के अंदर जो है भारी वाहनों का जो है आवाजाही बंद कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माइनिंग क्षेत्र जो है रणजीतपुर होने की वजह से यहाँ पर भारी संख्या में जो है ट्रक की चलते हैं, और ऐसे में अगर मेले में भारी भरकम ट्रक जाएंगे तो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने जो है हैवी व्हीकल्स को जो है आगामी 19 से 20 तारीख तक जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि माइनिंग क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स जो हैं वो यहाँ पर चलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रकों को जो है रोका गया है। हैवी व्हीकल्स जो है वो यहाँ पर बैन कर दिए गए हैं और ठीक दो दिन बाद जो है मेला स्टार्ट हो जाएगा, और जिसके चलते जो है प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किया है। आप देख सकते हैं ट्रक चालक किस तरीके से यहाँ पर रुके हुए हैं, उनसे पूछेंगे भाई जी कहाँ जाना चाहते हो? रणजीतपुर सर। क्या चलाते हो, गाड़ी चलाते हो? हाँ घोड़ा। माइनिंग में? माइनिंग क्षेत्र में। जी जी जी। तो आपको पता नहीं था पहले, बताया नहीं? नहीं, क्या पता नहीं था सर। कहाँ से आए हो? हम अम्बाला से। तो आगे बैरिकेडिंग कर दी गई है? जी बैरिकेडिंग कर दिया गया। क्या कह रहे हैं? नो कह रहे कि 20 तारीख तक रोड बिल्कुल क्लोज रहेगा। तो अभी आपको परेशानी हो रही? बहुत ज्यादा। कहाँ जाना चाहते थे? रणजीतपुर। अब कैसे जाओगे? बस अब तो वापस जाना पड़ेगा। रोड लेके जाना था। जी जी। तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन द्वारा जो है मेले के लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हालांकि छोटी गाड़ियां जो हैं उनको भी किस तरीके से चेक किया जाएगा, बड़ी गाड़ियां जो पंजाब से अमूमन ट्रकों में भर भर कर श्रद्धालु आते हैं उनको किस तरीके से यहाँ गुजरना होगा, लेकिन हर वर्ष की भांति जो है इस वर्ष भी जो है पुलिस की तैनाती शुरू कर दी गई है। चारों तरफ जो है लगभग करीबन 12 नाके लगाए गए हैं, जहां पर 12 नाकों पर जो है अतिरिक्त पुलिस कर्मी जो है वो तैनात के। इस वक्त रात के करीबन 10 से 11 बज चुके हैं और हमारे साथ यहां पर जोगिंदर सिंह हैं, एएसआई। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, अंदर किस तरीके के व्हीकल्स अलाउड हैं, किस तरीके के व्हीकल अलाउड नहीं है? अभी तक तो सर ये छोटे व्हीकल है जो वो जा रहे हैं, और बड़े व्हीकल हमने बिल्कुल बंद कर दिए। अपने डीएसपी साहब है जो बिलासपुर, ये उनके आदेश है ये यहाँ पे बड़े व्हीकल नहीं जाएंगे अंदर। अगर जो ये श्रद्धालु आएंगे वो भी इनको यहीं उतार के और ये सिर्फ पैदल जाएंगे, और जो ये गाड़ी है बड़ी ये इधर या तो मंडी में लगाएंगे या जहाँ पे पार्किंग बनी होगी उसमें खड़ी करेंगे। हाँ, तो आज सुबह से ही बैरिकेडिंग शुरू कर दी गई? आज सुबह से ही बैरिकेडिंग शुरू हो गई है और पुलिस तैनात कर दी। हाँ, सुबह से पुलिस तैनात हो गई है। बड़ी गाड़ियाँ अभी अंदर नहीं जा पा? नहीं, बड़ी गाड़ी का बिल्कुल स्टॉप कर दिया है। छोटी गाड़ी को भी चेक किया जा रहा है? हाँ, छोटी गाड़ियों को चेक करके जब अंदर जाने दिया जा रहा है। तो किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा है इस चौकों पर अभी तक नहीं है? नहीं, अभी तक ऐसी तो कोई है नहीं हमारे पास। हाँ, ये कल से बोल रहे थे भाई कल से ये मेडिकल टीम है वो आ जाएगी। जी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी जो है प्रशासन के प्रबंध जो हैं वो किस तरीके से तैयार कर दिए गए हैं। हालांकि मेले की जो अतिरिक्त पुलिस जो है हर जगह जो सुरक्षा थी वो 14 तारीख से चाक चौबंद, लेकिन आज 13 तारीख है और आज 13 तारीख की रात्रि से ही जो है भारी वाहन जो है वो मेले में प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियां जो हैं छोटी गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगाकर मेन चौक है शिव चौक बिलासपुर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि रात के वक्त अभी से जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है, और मेले में किसी प्रकार का जो बड़ा व्हीकल है ताकि कोई भी ऐसा अप्रिय घटना ना हो भारी व्हीकल, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है मेले में जनसंख्या बढ़ेगी, श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ेगा और हैवी व्हीकल्स होने से कहीं ना कहीं घटना जो हो सकती है उसके मद्देनज़र जो है बिलासपुर डीएसपी आशीष चौधरी व जिला प्रशासन डीसी पार्थ गुप्ता जो हैं उनके आदेशों के अनुसार जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी। और ये बैरिकेडिंग यहाँ नहीं है, पूरे मेले के सराउंडिंग जो है तकरीबन 12 से 17 नाके जो हैं वो लगाए गए हैं, अस्थाई रूप से नाके हैं। तो मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पंजाब से जो श्रद्धालु इस कपालमोचन मेला में आना चाहते हैं उनके लिए भी खास जो है सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से कोरोना का जो वैक्सीन है वो एक वैक्सीन लगी होनी चाहिए, और आपको इन नाकों पर जो है हालांकि आज जो है मेडिकल की टीमें जो है यहां पर नहीं तैनात की गई, लेकिन कल से हो सकता है कि मेडिकल की टीमें जो है हर उस चेक पोस्ट पर हों जहां पर से श्रद्धालु इस मेले में एंटर होंगे, और उनको वो चेक पोस्ट पर अपनी टीकाकरण की जो रिपोर्ट्स है वो दिखानी होगी। हालांकि मेला जो है 15 से लेकर 19 तारीख तक है, किसी भी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन हाँ कोरोना वैक्सीन जरूर होनी चाहिए। आरटीपीसीआर टेस्ट को जो है सरकार ने बताया जा रहा है कि वो मना कर दिया कि आपको जरूरी नहीं है कि आरटीपीसीआर टेस्ट करा गया है, लेकिन सबसे जरूरी है कि कोरोना वैक्सीन। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि हो सकता है कि मेले के अंदर भी कोरोना की वैक्सीन की जो टीकाकरण है वो भी आपको जगह जगह लगाई। ऐसी और भी अपडेट्स कपालमोचन मेला से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे 71 के लिए बिलासपुर से रंजीत सिंह।